कि बच्चों का जो टैलेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने जब सर्च के रिसर्च किया या सर्वे किया तो देखा कि बच्चों का जो होना चाहिए एक्चुअली एजुकेशन पॉलिसी या जिस तरह से बच्चों को तैयार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने कुछ फ्रेंड्स मिलके हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम स्कूल को चला एक शुरू करें, जिससे कि अपने खुद से हम ना दूसरे को बोल के खुद से अपने स्कूल को तैयार करें, ताकि हम अपने घर से ही अपने टैलेंट को तैयार करें, ताकि आज यहाँ से जो भी बच्चे निकलेंगे वो हमें जो जो हमें नज़र आया दूसरों को नज़र ना आए। और ये स्कूल को और भी अच्छी तरह से करने के लिए अभी हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि पहली बार कर रहे हैं इसीलिए बहुत सी त्रुटियाँ हो सकती है। तो इसीलिए हरेश से उम्मीद है कि और आशा करते हैं कि हर कोई इस स्कूल में आए, अपना योगदान दे, हमें सजेशन दे या जो भी होना चाहिए वो हमारे स्कूल को फुलफिल करने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए जो भी अपना सजेशन रखे। और अभी पूरे वाइल हम लोगों का स्कूल क्योंकि तैयार करना था, एडमिशन लेना था, इसीलिए अभी एडमिशन प्रोग्राम हम रखे हैं। और ये प्रोग्राम रखने का कारण और भी है कि हम लोग का एडमिशन ऑलरेडी स्कूल में अवेलेबल हो चुका है, जो भी पेरेंट्स हैं सबको वेलकम है, वो आए हमारे स्कूल में और इस स्कूल के फॉर्म को लेके जाए, अपना बेहतरीन समय हमें दें ताकि हम उनके बच्चों को सुधार सकें, अपने भाई को सुधार सकें, अपने बच्चों को सुधार सकें, अपने समाज को सुधार सकें और इस सुधार के चक्कर में ताकि हम लोग अपने समाज को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकें, ताकि हमारा श्रीरामपुर को ये ना बोल सके कि श्रीरामपुर के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, ताकि अपने बच्चों को खुद ही बोल सके दूसरा बोले हाँ ये श्रीरामपुर के बच्चे हैं, कोई ये ना बोले कि हाँ श्रीरामपुर के बच्चे ऐसे वैसे हैं, वो अपना खुद से नाम बोले कि ये कहाँ के बच्चे हैं, तक खुद पूछे दूसरे आदमी कि ये कहाँ का बच्चे हैं। ये तैयार करने की हम लोग कोशिश करेंगे और इसीलिए हर किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो कमी होगी वो हमें बताएँ और भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग दे सकें।